गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और आज हम लोग जेई एडवांस 2023 का मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन बेसिकली एलिप्स का और कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है। तो ये उसने हमें एक एरिया दिया हुआ है, ये एलिप्स है और ये एक हमारे पास पैराबोला है। कह रहा है थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट आर रेंडमली चोजन। इसके अंदर देखिए उसने प्रॉबिलिटी भी मिक्स की है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अपना डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारे पास एक इलिप्स है, और ये हमारे पास जिसमें ए की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, लेस देन, ए इज लेस देन बी है। तो इसलिए आपका डायग्राम इस तरह से बनेगा। इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये आपका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2√2,0 हो जाएगा। इधर आ जाएगा −2√2,0, इधर आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 20, तो 2√5 और 0, −2√5। और ये एक हमारे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला में हमें ऐसे पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं कि उन तीनों पॉइंट्स से बनने वाले जो ट्राइंगल्स हैं उनका जो एरिया आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनको सॉल्व करते हैं कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8, वाई स्क्वायर की वैल्यू 5x/20, दिस इज इक्वल टू 1, ये आपका 4 हो जाएगा। इधर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8 इज इक्वल टू 0। तो इसके हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x+4 और x-2, दिस इज इक्वल टू 0। तो x = −4 and 2, तो ये हमारा फर्स्ट, इधर x पॉजिटिव है इस डायग्राम में, तो ये वाला हम केस लेंगे नहीं। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो जब x की वैल्यू 2 होगी उस समय यहाँ पर इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे, ये आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी +−√10। तो ये हमें इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए 2, √10 और 2, −√10। तो ये हमारे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं पैराबोला। अब कह रहा है कि इस रीजन में ये जो 2√2 है इसका मतलब क्या है, 1.4 मतलब 2.8। तो अगर हमारे पास देखिए ओरिजिन के हम कोऑर्डिनेट्स ले नहीं सकते हैं, तो देखिए एक बार हम देखते हैं कि कैसे हमें पॉइंट्स लेने हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिन है, ये आपका x = 1 है और यहाँ पर आपका x = 2 है। 3 हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू 2.8 से क्या है, लेस है। अब x = जब आप 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, x = जब आप 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू √5 मतलब 2.23 से, मतलब हम x, एक पॉइंट हम ये ले सकते हैं 1,1 एंड सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, ये 1,1 हो गया और ये आपका 1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1,1, ये हो गया 1,2। इसी तरह से सिमिलरली नीचे आपके आ जाएंगे 1,-1, 1,-2। इसी तरह से x = 2 पर y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, √10 मतलब 3 पॉइंट से लेस, मतलब 3 से नीचे। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, सेकेंड पॉइंट ये हो गया, ये x = 3 हो गया, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2,1, 2,2, 2,3। इससे आगे हम जा नहीं सकते। सिमिलरली नीचे भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा 2,-1, 2,-2 and 2,-3। तो अगर हम इस तरह से अपने डायग्राम को देखें तो x = 1 लाइन पर हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, आपके पास 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, और इधर आपके पास कितने, 7 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अगर हम लोगों को देखिए क्या निकालना है, टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो 12 पॉइंट है, तो 12 पॉइंट से आप टोटल कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ आपके ट्राइंगल्स हो गए, इतने आप ट्राइंगल बना सकते हैं। बट हमको कौन से ट्राइंगल चाहिए, हमको वो ट्राइंगल्स चाहिए कि जिनका एरिया पॉजिटिव आए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों ट्राइंग, इस तीनों पॉइंट्स को लेता हूँ, ये हमारा P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, तो इनका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 1/2 बेस, परपेंडिकुलर हमारा हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा और बेस की वैल्यू। तो बट यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हम नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या है
कि हमें ऐसे पॉइंट्स लेने हैं कि जिनके बेस की लेंथ जो है वो या तो 2 हो या क्या हो 4 हो या आपके पास इस वाली लाइन के ऊपर 6 हो, इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर हम क्यू वाली इस वाली लाइन से सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, ये x इक्वल टू 1 लाइन से कोई हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया तो टोटल हमारे पास पॉइंट कितने हैं, 5 पॉइंट है, तो 5c1 एक पॉइंट हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अब हम वो ट्राइंगल्स बनाएंगे कि जिनके बेस की वैल्यू कितनी है। देखिए परपेंडिकुलर तो हमारा सारे केसेस में हर बार हमेशा क्या होगा, 1 आएगा। अब हमें ये देखना है बेस 2 मिले तो एक हमारे पास ऑप्शन ये हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ये हो जाएगा और फिफ्थ ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मतलब जब बेस की वैल्यू 2 हो उस समय हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शन है। तो ये बेस 2 हो गया, 3 जब हम बेस की वैल्यू 3 लेंगे तो उस समय हमारा इंटीजर आएगा नहीं, इंटीग्रल आएगा नहीं। अब हम बेस 4 पर आते हैं तो बेस 4 पर ये आपके 3 पॉइंट्स हैं तो एक आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन ये हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 + 3 और टोटल 6 लेंथ इसकी है तो एक ऑप्शन आपके पास ये हो जाएगा। मतलब हम इतने नंबर ऑफ बेसिस, इतने टाइप से हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले सकते थे कि उनके बेस की लेंथ 2 आ गई, यहाँ पर आपकी 4 आ जाएगी और एक केस होगा जब बेस की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। सिमिलरली दूसरा केस हम लेंगे, अब हमने जो एक पॉइंट हम इस वाली लाइन से सेलेक्ट कर रहे थे, अब हम एक पॉइंट x इक्वल टू 2 से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग बेस की वैल्यू क्या लेंगे, एक बार 2 लेंगे एक बार 4 लेंगे। तो हमने 7 में से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, अब बेस की वैल्यू हमारी 2 हो, ये एक पॉइंट, ये इस तरह से हम पॉइंट ले सकते हैं एक ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन हमारा ये हो सकता है, थर्ड ऑप्शन हमारा ये हो सकता है, तो ये तो आपका आ गया 3। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, जब हम ये 3 पॉइंट्स 3 ऑप्शंस लेंगे, एक बार ये ऑप्शन होगा, एक बार सेकंड बार ये हो जाएगा, फिर थर्ड टाइम्स हमारा ये ऑप्शन होगा, प्लस हम एक बार एक ये ऑप्शन ले लें, जब ये वाला केस लेंगे तब हमारी बेस की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी और इसके अलावा आप कोई ऑप्शन ले नहीं सकते। तो ये आपका आ जाएगा 5 × 9 + 7 × 4 so 45 + 28 This is equal to 73 points हो गए आपके upon 12c3 और 12c3 की value आप find out करिए तो 12 9 factorial और 3 factorial means 12 × 11 × 10 upon इधर आ जाएगा 6 और ये आपका हो जाएगा 220 हो जाएगा। तो हमारी required probability क्या आ जाएगी, 73/220। तो ये इसका हमारा ये वाला option इसका correct है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस में देखिए एडवांस के जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट के साथ 2-3 कॉन्सेप्ट और भी क्लियर है। देखिए यहाँ पर उसने एक तो एलिप्स एंड पैराबोला को इंक्लूड किया, देन उसने फिर पीएनसी को इंक्लूड किया एंड देन उसके बाद उसने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।